रोजाना ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉक न्यूज़ को और दबाएं इस घंटे को ताकि आपको मिले रोजाना नए नए अपडेट्स। 2019 से पहले सपा के हाथ लगा ये सबसे बड़ा हथियार, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी। डीडीसी न्यूज एजेंसी लखनऊ। देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चाहे कितने ही नियम कानून बनाए जाएं, लेकिन उनकी हैवानियत पर कोई रोक नहीं है। इन अपराधों में हाल ही में हुए उन्नाव रेप केस ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। इसी की तर्ज पर विपक्षी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ कई बातें कही हैं। एक ओर जहां यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने जमकर मोदी और योगी पर तहनस कसा है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह यादव ने भी बीजेपी शासन काल में अपराधों की बात कही है। सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा, एसपी प्रवक्ता सुनील सिंह यादव का कहना है कि एडीआर की एक रिपोर्ट से देश में नफरत की राजनीति फैलाने वालों में बीजेपी सबसे पहले पायदान पे आई है। मोदी जी के 4 साल में सबसे ज्यादा विकास बीजेपी के पार्टी फंड में, नेताओं की गुंडागर्दी में, जनवरी अपराध, बेरोजगारी और महंगाई में देखने को मिलता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक रिपोर्ट से देश में नफरत की राजनीति फैलाने वालों में भाजपा सबसे पहले पायदान पे आई है। मोदी जी के 4 साल में सबसे ज्यादा विकास भाजपा के पार्टी फंड में, नेताओं की गुंडागर्दी में, जनवरी अपराध, बेरोजगारी और महंगाई में देखने को मिलता है। पहले पायदान पर पहुंची है बीजेपी सरकार। रिपोर्ट को इस तर्ज पर जारी किया गया था कि किस नेता के शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा हुआ है। इसमें बीजेपी टॉप पर रहा। जारी की गई एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को लेकर हुए अत्याचार और अपराध में बीजेपी सरकार पहले पायदान पर आई है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि बीजेपी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में अपराधों की संख्या दूसरों के मुकाबले सबसे ज्यादा रही है।